दोस्तों आज है 11 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ही उम्दा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है और खासकर एडिटोरियल तो आज आप लोगों का मजा आ जाएगा सुन के। बहुत ही डिटेल में और एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस आप लोगों का काफी बढ़ाएगा उस तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। एडिटोरियल जब बताऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा किस लेवल पर जाकर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ना स्टार्ट होती है। अगर जैसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले या कोई टॉपिक आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए जो उसको ढंग से आप लोग अंडरस्टैंड कर सके, एडिटोरियल आज के शानदार है, बहुत ही ज्यादा है वो भी। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब यहाँ पर इलेक्शन चलते हैं तो कई सारे इश्यू निकल कर आते हैं। अभी एक सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी में काबा, ये है यहाँ पर नेहा जो कि एक भोजपुरी सिंगर है, काफी शानदार इनके द्वारा कई सारे गाने गाए गए। तो जैसे इनके द्वारा ये गाना गाया गया, अच्छा आप में से कितनों ने सुना है ये पहले तो ये बताइए, यस या फिर नो, आप लोगों ने सुना ये? तो ये जो ये गाना है अगर नहीं सुना है तो इसको जाकर आप लोग सुनिएगा। तो यहाँ पर आप लोग जब इस गाने को सुनेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इनके द्वारा जो गाना पूरा गाया गया है उसमें पूरे गाने में काफी डिटेल तरीके से इनके द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप लोगों को वोट करना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ में थोड़ा सा लगता है वो सुनने में, पर लेकिन रियलिटी में सुनेंगे तो एक पढ़े लिखे इंसान के द्वारा कुछ बातें बोली जा रही है, एक ऐसा एक गाँव का नहीं कहते कि गाँव के इंसान के जो लिबाज में, यानी कि गाँव की एक महिला होती है उसके लिबाज में इनके द्वारा आप लोगों को बहुत डिटेल में सही तरीके से अगर आप लोग इनका एक एक बात सुनेंगे तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एक इंसान जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों के अधिकार क्या हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, कि आप लोगों को कैसे अपने फंडामेंटल राइट का यूज करना चाहिए। और कल भी इनका एक सॉन्ग मैंने देखा, वो रिकमेंडेशन में आया था, उसमें ये था कि ये खुद बोल रही है कि जाकर सबको वोट अपना जो है वो देना चाहिए। तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा था कि आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं खासकर जो कि आप लोगों को भी समझने चाहिए जब यहाँ पर देश के अंदर इलेक्शन होते हैं। कल यहाँ पर अगर बात करें काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जब यहाँ पर योगी जी के द्वारा एक कमेंट किया गया और वो कमेंट था कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दी तो कश्मीर, बंगाल या फिर केरला जैसा बन जाएगा, उत्तर प्रदेश भी। और जैसे ये कमेंट निकल कर आया ये ट्विटर पर भी काफी लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा यहाँ पर ये पर्टिकुलर इशू। इसका क्या मतलब है कि कश्मीर या फिर बंगाल या फिर केरला जैसा हमारा राज्य बन जाएगा यूपी, ये इनके द्वारा बोला गया, इनके अपने राज्य का नाम लेते हुए इनके द्वारा बोला गया कि हमारा राज्य जो है इन राज्य जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम जो एक यूनियन के मिलकर यूनियन के अंदर मिलकर रहते हैं जहां पर 28 स्टेट है, ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य को। तो ये बिल्कुल एक काफी एक अलग तरीके से कमेंट देखा गया जो कि पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक तरीके से अगर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग देखो तो हमारा कंट्री जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि अलग अलग स्टेट से मिलकर हमारा यूनियन बना है। अगर इस तरीके कमेंट यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिग्निटरी के द्वारा दिया जाता है तो वो रियलिटी में मतलब थोड़ा सा तो एक नहीं कि एक तरीके से सही नहीं है अगर देखा जाए हमारे एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से। तो ये बातें हैं। तो किस किसने आपने वोट डाली यहाँ पर देखिए, एक बुजुर्ग महिला भी अपनी वोट डालने गई और पहले फेज में जो है 60% के करीब टर्नआउट रहा है। पर आखिर यूपी के इलेक्शन पर इतना फोकस क्यों रहता है? आप लोगों को पता होगा अगर हम लोग बात करें बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा के बारे में तो 543 सीट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें से 80 सीट जो है वो अकेली यूपी के खाते में आती है। तो ये माना जाता है कि जो यूपी जीतकर चला गया, यंगिस्तान मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, उसमें बोलता है कि अभी यूपी को तो खुलने दो तब पता चलेगा कौन जीत रहा है, याद होगा शायद आप लोगों अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये रियलिटी है उत्तर प्रदेश के बारे में, सबसे बड़ा पॉपुलस एक तरीके से स्टेट है हमारा। तो इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये मिनी इंडिया मुझे सब इसलिए याद आता है क्योंकि एक फ्रेंड है वो पोस्टेड है आईएएस ऑफिसर है यूपी के अंदर में, तो मैंने बोला और हो गया काम, तो बोल रहा है हमें कौन सा कैटर मिल गया, तो बोल रहा है कि मिनी इंडिया मिल गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो ये एक तरीके से क्योंकि देखिए जब अगर बात करें तो पॉपुलेशन के बेस पर अगर आप लोग जाकर देखेंगे कई सारी कंट्री से पहले हमारा देश आ जाता है, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो जाकर आप लोग चेक करिएगा टॉप अगर 7 कंट्री के बारे में आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को उसमें यूपी देखने को मिल जाएगा जब कंट्री चेक करेंगे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा एक इंपैक्ट पड़ता है खासकर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए वोट किस किसने डाला और आगे जहां जहां भी जो राज्य में इलेक्शन है वहां पर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा वरना फिर गाली मत देना गवर्नमेंट को बाद में, ठीक है, कि हाँ ये कर रही है वो कर रही है। तो काफी डिटेल में आज का ये एडिटोरियल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। बेसिकली इसी के साथ में न्यूज एनालिसिस के भी कई सारे इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा एंड तक डिस्कशन देखेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आंसर राइटिंग के, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो आज से ही होगा जो कि आज का डिस्कशन है और एक होगा आप लोगों का जो यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पीछे जा चुके हैं उसमें से आप लोगों से पूछूंगा। इसी के साथ में और भी कई सारी बातें होंगी जैसे कि आप लोगों को वोकैबुलरी देखने को मिलती है तो काफी फायदा आप लोगों को पहुंचाती है। डेली कोशिश किया करो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ वोकैबुलरी के शब्द ऐड किया करो। तो 5 मैं बता देता हूं, डेली 5 के ज्यादा ही रहते हैं।
इसी के साथ में इनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी क्या क्या रहेगा आज का डिस्कशन, एक बार डिस्कशन के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। आज आप लोगों के 5 आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में शानदार तरीके से आर्टिकल देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल जो अगर बात करें, एक राज्य के बारे में नहीं लिखा गया पर रेफरेंस लिया गया है एक राज्य का, वो है हरियाणा। हरियाणा में लोकल जॉब में रिजर्वेशन दिया गया। जब पढ़ोगे यहां पर हमारी कंट्री में क्या क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कौन कौन से केसेस आ रखे हैं, तो काफी उम्दा आर्टिकल लगा पर्सनली मुझे। अंदर पढ़ने के बाद में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाँ इस तरीके के आर्टिकल को समझकर अच्छा मजा आता है। ठीक है, तो आज आप लोग भी पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है साइड वाला अभी रिसेंटली किसी के फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। ये आर्टिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करें तो इस आर्टिकल को भी हम लोग समझेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा क्या होता है इसके बारे में ढंग से समझेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई, तो कमेटी की उसके द्वारा बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो पब्लिश की गई तो समझेंगे इसके बारे में क्या बात है। किस तरीके से यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट होती है और कैसे चीजों को लेकर चलना चाहिए यहाँ पर, क्या फेडरल स्ट्रक्चर में गवर्नर का काम कैसा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में काफी डिटेल में कवर करने वाला हूँ, और ये एक राज्य का मुद्दा अब नहीं बन गया, ये कई राज्य का मुद्दा यहाँ पर बन गया अगर इसको ध्यान से आप लोग देखोगे। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की पोस्ट के बारे में तो आप लोग कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं गवर्नर की पोस्ट से रिलेटेड। तो फिलहाल यहाँ पर इनके द्वारा एक क्वेश्चन टाइप में भी यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं एज ए क्वेश्चन के तरीके से कि इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर सबवर्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये बात बोलेगी यहाँ पर। तो एक तरीके से क्या फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से काम कर पा रही है, गवर्नर जो है उसको थाम पा रहे हैं, सही तरीके से चल पा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा इशू है। और बोला गया कि जो रेगुलर डिस्कशन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में अगर हमको ये एस्टेब्लिशमेंट को आगे लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। और गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो गवर्नर को एक तरीके से गवर्नर की तरीके से ही काम करना चाहिए। कम से कम पब्लिकली तो उसको अपना एक तरीके से नहीं, एटलीस्ट पब्लिकली आकर जनता के सामने ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट में डिक्रीज होने लगे, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे इस आर्टिकल के साथ में। फिर आप लोग न्यूज एनालिसिस पे चलेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से बताऊंगा। यहाँ पर एक ऑस्कर मूवी के बारे में बात की जा रही है, हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा हिजाब को लेकर बात की जा रही है, एक यहाँ पर बात करेंगे तो एडिटोरियल के अंदर भी एक आर्टिकल है छोटा सा, तो यहाँ पर इसको कवर कर लूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट इससे अभी डिस्टेंस बनाए हुए हैं, हिजाब जो कर्नाटक का कंट्रोवर्सी है आखिर क्यों, समझेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, क्वारंटीन के बारे में, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि जो स्टूडेंट चाइना में पढ़ना जाना चाहते हैं उनको रोका गया है चाइना में जाने से, क्यों मुद्दा समझेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है ई डिलीवरी सर्विस के बारे में, तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। अगर आप लोग बिहार से आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लालू जी जो है वो कंटिन्यू करेंगे जो आरजेडी के चीफ, तो ये भी एक न्यूज बनी है जो कि फ्रंट पेज पर देखने को मिली साइड में। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री में आप लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर फोन के कनेक्शन ही नहीं है, समझेंगे क्या। खली जी जो है उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है, तो अगर आप लोग पंजाब से आते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। बाकी यहाँ पर जो गोवा के अंदर बोला गया 60% जो कैंडिडेट हैं वो आज के में करोड़पति है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एडीआर बोल रहा है जो कि काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो समझेंगे आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पर। 17.78 लाख जो एकर है वो डिफेंस की जमीन, उसका सर्वे किया जा रहा है ड्रोन की हेल्प से, समझेंगे आखिर क्या बातें हैं। रसिया और बेलारूस का मुद्दा और ये इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में कुछ कमेंट किए गए कुछ लीडर्स के द्वारा। आरबीआई का स्टेटस को बनाए रखा उसने एक तरीके से, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें पॉलिसी में चेंज नहीं किया गया, तो ये पूरा आर्टिकल मैं कवर कर लूंगा आप लोगों से एडिटोरियल के अंदर में। क्रिप्टो करेंसी जो है थ्रेट हो सकती है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है आखिर क्यों। सुडो को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहने वाली है, तो इसको अच्छे से एडिटोरियल को देखेंगे एक एक पॉइंट को क्या क्या मुद्दा है। अगर आप लोग कल को आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे लिखना चाहते हैं तो कोटेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं डेली एक कोटेशन यहां पर ऐड कर रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चल सके। ठीक है, तो बात की जा रही है कि एनी सोसाइटी दैट डज नॉट सक्सीड इन टैपिंग इन टू द एनर्जी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द इट्स यूथ विल बी लेफ्ट बिहाइंड। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर किसी समाज में हम लोग जो युवाओं की ऊर्जा और उनकी रचनात्मक जो सोच है अगर उसका दोहन नहीं कर पाए, यानी कि अगर उनको हम लोग, यानी कि एक तरीके से यंग जनरेशन है उनको हम लोगों ने सही डायरेक्शन नहीं दी, तो ये एक तरीके से वो समाज जो है, वो कंट्री जो है, वो सोसाइटी जो है वो पीछे छूट जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा बोला गया। और ये सही भी है, अगर जिस कंट्री में यूथ को अगर सही तरीके से सपोर्ट करके चला गया वो कंट्री आज एक सही पोजिशन पर बैठी हुई है। ठीक है, तो कोफी अन्नान साहब के द्वारा ये बात बोली गई। तो अगर यंग जनरेशन के बारे में या फिर इंप्लॉयमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, अनइंप्लॉयमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ये कोटेशन आप लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहां पर चोरा चोरी इंसिडेंट जो है वो यहां पर देखने को मिला, तो किसकी टाइम पर देखने को मिला, कौन सा मोमेंट उस टाइम पर हमारे देश में चल रहा था, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट।
तो 4 फरवरी को ये जो है जो ये मूवमेंट था इसके बारे में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। मैंने आप लोगों से शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया था, चोरा चोरी इंसिडेंट आखिर क्यों हुआ, गांधी जी के द्वारा क्यों बंद कर दिया गया, सारी बातें तमाम देखने को मिली, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बताइए किसके साथ में ये कनेक्टेड था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर गोल्ड होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट होते हैं, कैश जो लोगों के पास में होता है वो भी होता है, और रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए में बोला गया 1, 2 and 3, बी में बोला गया 2, 3 and 4, सी में बोला गया 1, 2 and 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है बेसिकली ये वेटलैंड के बारे में, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट। दूसरा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें सबसे ज्यादा वेट आप लोगों को रामसर साइट देखने को मिलेगा, ये दूसरी स्टेटमेंट है। चाइना जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर कन्वेंशन ऑफ जो प्रोटेक्शन है वेटलैंड का, ये बोला गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि अभी रिसेंटली 2 और नए वेटलैंड हमारे देश में ऐड किए गए, तो कौन से हैं वो 2 और किस किस राज्य में ऐड किए गए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। डिटेल में पूरा टॉपिक कवर किया था मैंने शाम को, ठीक है, बताइए इसके बारे में। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बातें करूंगा आप लोगों से, और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजों को कैसे देखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग एक समाज में रहते हैं, जैसे कि हमारा एक देश है उसमें अलग अलग राज्य हैं 28, और अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग राज्य ऐसे नहीं कि उनकी खुद की सिटीजनशिप है, अलग अलग राज्य ऐसे नहीं कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आप लोग बिहार में जाना चाहते हैं, बिहार से आप लोग मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से आप लोग गुजरात, गुजरात से तमिलनाडु, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर, कहीं भी आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये खासियत है हमारे देश की, और ये अधिकार आप लोगों को हमारा संविधान देता है, क्योंकि संविधान के जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं तो वहां पर फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये आप लोगों को सारे अधिकार प्रोवाइड कराते हैं एक सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या क्या अधिकार आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से, फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंट है। तो मेनली जो ये आर्टिकल है वो स्टार्ट कहां से होता है, वो होता है हरियाणा से स्टार्ट। हरियाणा हमारी कंट्री में अगर आप लोग फोकस देंगे तो एक राज्य है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जो कि आसपास में, खासकर अगर बात करें तो दिल्ली के जो NCR वाले रीजन में भी कुछ आप लोगों को इसका पोर्शन देखने को मिलेगा। इधर राजस्थान के साथ में टच करता है, उधर आप लोगों को पंजाब में, ठीक है, और इधर यहां पर हिमाचल प्रदेश, और यहां पर ये हो गया उत्तर प्रदेश के साथ में। एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में, आप लोगों को ये बताना कि क्या हरियाणा जो है वो उत्तराखंड के साथ में भी टच करता है या फिर नहीं टच करता है, ठीक है। तो खासकर अगर हरियाणा से आप लोग आते हैं तो ये बात जरूर देखिएगा, और वैसे आप लोग भी देख लेना, हरियाणा के बारे में देख लेना और अपने अपने राज्य के बारे में भी एक बार जाकर देखिएगा, अपना मैप आप लोग राज्य का निहारिएगा। ये होमवर्क है आज का आप लोगों के लिए, मैप बेस्ड आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें जाकर अपना राज्य की बाउंड्री आप लोगों को देखनी है, ठीक है। मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यह है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और ओनली हरियाणा के ऊपर फोकस कर मत देखना इस आर्टिकल को, क्योंकि कई सारे राज्य के द्वारा यहाँ पर ऐसा काम किया गया है, तो इसलिए आर्टिकल में बहुत ही उम्दा तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। हरियाणा के द्वारा अभी यहाँ पर एक लोकल जो एक इंप्लीमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट लाया गया 2020, ठीक है, उसको बोला गया कि ये जो एक्ट था ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 15 जनवरी को। आज मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं फरवरी में, तो यहाँ पर ये आर्टिकल इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ठीक है। तो बोला गया कि अगर बात करें यहां पर, अगर किसी भी कंपनी के अंदर 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की 75% जो सीट है वो रिजर्व की जाएगी बेसिकली हरियाणा के लोगों के लिए, जिसमें जो सैलरी है लेस देन 30,000 है, यानी कि जिस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 30,000 यानी कि 30,000 से कम है और 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको स्टेट डोमिसाइल होना कैंडिडेट का जरूरी है, उसको यहां पर जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये जो जॉब है ये अलग अलग तरीके से यहां पर वेरियस कंपनी जो है, सोसाइटी जो है या फिर जो भी यहां पर पार्टनरशिप में स्टेट के काम कर रही है कुछ ऐसी कंपनी, तो उनको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका एम यहां पर ये था कि जो टैलेंट है बेसिकली जो स्टेट के अंदर में, ठीक है, तो उसको ढंग से यूज किया जाए, पर लेकिन बाहर का जो टैलेंट है वो यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेबल होगा, कोई कंपनी अगर है स्टेट के अंदर तो 10 साल के लिए यहां पर एप्लीकेबल होगा, और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसको पनिसेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। ये तो हो गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आखिर यहां पर क्या चल रहा है। अब मैं आप लोगों को आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूं, जो कि ढंग से सुनिएगा, थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। एक पर्टिकुलर केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2002 का, इसको बोलते हैं TMA पाई फाउंडेशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी उम्दा तरीके से बोला गया
कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी अपनी ऑटोनोमी है, यानी कि उनकी स्वायत्तता है, आप लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मैनेजमेंट में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये बातें यहां पर बोली गई कि अगर कोई प्राइवेट जो सिस्टम है उसके अंदर आप लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, 2005 का PA इनामदार केस है यहां पर, उसमें रिजर्वेशन के बारे में जब बात बोली गई तो यहां पर बोला गया कि कैन नॉट बी मैंडेटेड ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर मैंडेटेड नहीं कर सकते जिनको स्टेट जो है वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं करता। मतलब क्या है? मतलब कि आप लोग यहां पर रिजर्वेशन ओनली उन्हीं के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर आप लोग कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो आप लोगों से एक ढीला नहीं लेता है तो आप लोग जाकर उसको ये नहीं बोल सकते कि तुमको रिजर्वेशन करना है किसी भी तरीके से, ये फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के खिलाफ हो जाता है। सारे आर्टिकल बताऊंगा, एक एक कर ढंग से सुनिएगा। 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया और उसमें बोला गया प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक तरीके से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर शेड्यूल कास्ट के जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उनको रिजर्वेशन देने के लिए अलाउ किया गया। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखी गई, ये बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही अलाउ की गई है ओनली। इसमें बोला गया है कि अमेंडमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन पर अलाउ होगा, ओनली प्राइवेट कंपनी पर अलाउ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि यहां पर जो हरियाणा के द्वारा ये जो रिजर्वेशन दिया गया और इसी के साथ में कई और राज्य रिजर्वेशन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी यहां पर ऐसे केस आ चुके हैं और वो ऑलरेडी इसके बारे में ये बातें बोल चुके हैं। अब आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया यार, ये तो बताओ कि ऐसी क्या कंडीशन पड़ जाती है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर ये बातें बोल दी? तो उसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड होगा ना, या सुप्रीम कोर्ट भी हवा में बातें करने लगा हमारा? ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा तर्क के साथ में बातें करता है। समझेंगे कैसे यहां पर एक एक करके सारी बातें। अभी अगर बात करें, कई सारे केस यहां पर आज के डेट में पब्लिक इंप्लीमेंट से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यहां पर बात की थी राजस्थान के अंदर में भी। राजस्थान के अंदर में भी आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, एक अकेले राज्य के अंदर में किसी पर्टिकुलर एरिया से आप लोग बोलो कि यहां पर इसी एरिया के टीचर पढ़ाने आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आज के डेट में मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, तो दिल्ली में अगर मैं रह रहा हूं तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो मैं बोलने लगूं कि मुझे दिल्ली के अंदर ही, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट बोलने लगी लोकल टीचर को ही लेंगे यहां पर, यानी कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ले लिया, किसी और जो दिल्ली का उसको ले लिया, कोई मान लीजिए आ रहा है यहां पर हरियाणा का, यूपी का, पंजाब का, उसको नहीं लिया गया, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ऑलरेडी यहां पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी बात कर चुका है कि यहां पर इस तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो रिजर्वेशन है यहां पर वो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बोला गया कि ओनली आप लोग बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर कि बोले कि यहां पर ये बैकवर्ड है और ये स्टेट के रेजिडेंस है, उसके बेस पर अकेले आप लोग यहां पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये सारे कहां से निकल कर आ रही है, सारी बातें बताऊंगा, सुनते रहिएगा, अभी मजा आएगा आप लोगों का। अगर बात करें 1995 में आंध्र प्रदेश के द्वारा यहां पर प्रेफरेंस देने की कोशिश की गई कि तेलुगु मीडियम के लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि तेलुगु जो मीडियम के जो लोग हैं उसको ध्यान में रखकर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया कैंडिडेट को, तो इसको भी यहां पर बेसिकली ये इसको भी यहां पर एक तरीके से गलत माना गया, डिस्क्रिमिनेटरी यहां पर माना गया, ये डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड यहां पर देखने को मिला। यानी कि ऐसा नहीं है, यहां पर ओनली मैं आप लोगों से हरियाणा के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने आप लोगों से राजस्थान के बारे में बात करी, मैंने आप लोगों से आंध्र प्रदेश के बारे में बात करी, और भी आगे भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें एक बहुत ही बेहतरीन एक उम्दा केस है हमारे देश में जिसको बोलते हैं इंदिरा स्वामी केस। इंदिरा सानी केस जो आया था, ये आया था 1992 में और ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका आप लोगों से, जो कि आप लोग जिन्हें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस या फिर आप लोगों से डायरेक्ट सीडीएस एनडीए में या फिर यूपीएससी में, तो पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि थर्ड जो अगर बात करें यहां पर जो थर्ड इंपोर्टेंट बात बोलेगी यहां पर कि 75% जो रिजर्वेशन है यहां पर वो बेसिकली परमिट किया गया है कई सारे एरिया में। यहां पर वो क्या करता है, इंदिरा सानी केस के द्वारा कैप रखी गई है यहां पर 50% की, यानी कि आप लोगों ने क्या किया अभी स्टेट के अंदर 75% रिजर्वेशन दे दिया कि भाई साहब हमारे ही राज्य के लोग यहां पर आएंगे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस केस में भी कि हाँ आप लोग कुछ कुछ कर सकते हैं ऐसा, पर लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन यानी कि कोई बहुत दूर दराज वाला एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन जो है काफी रिमोट एरिया में रहती है, उनकी जिंदगी का जीने का जो एक तरीके से जिंदगी जीने का जो काम है बिल्कुल तमाम हो चुका है और वहां पर उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करानी है वरना वो मर जाएंगे, तो कोई ऐसा केस अगर आप लोगों को लगता है एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर बनती है तो आप लोग यहां पर रिजर्वेशन टाइप में चीजें दे सकते हैं 50% से ऊपर जाकर। पर लेकिन पूरे हरियाणा के लोगों को आप लोगों ने एक्सट्रीम बता दिया और 75% रिजर्वेशन उन्हीं के लिए दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत केस है। अभी ऐसा केस यहां पर तेलंगाना में 2017 में, राजस्थान में 2019 में, महाराष्ट्र में 2018 में यहां पर कई सारे ऐसे कानून जो है वो पास किए गए, तो इनके सबके द्वारा यहां पर 50% की जो लिमिट थी इंदिरा सानी केस की उसको साइड में रख दिया और अपने अपना मजे में कूदते कूदते आगे चल रहे। महाराष्ट्र का जो एक्ट है यहां पर वो प्रोवाइड करा था रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया 2021 में, तो यहां पर 50% का ग्राउंड को लिमिट मानते हुए यहां पर उसको बेसिकली स्टक डाउन कर दिया कि ये सही नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला। अभी यहां पर हरियाणा के ऊपर अगर फोकस करके मैं बोलूं, हरियाणा में ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बेसिकली यहां पर क्या किया है कि यहां पर लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया है कि यहां पर इस कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दे दो, इस कास्ट को रहने दो। उन्होंने पूरे हरियाणा को ही उसके अंदर ले लिया, तो उस बेस पर तो आप लोग बोल नहीं सकते हरियाणा गलत कर रहा है, सबको इक्वल मान रहा है। पर लेकिन हरियाणा हरियाणा वालों को इक्वल मान रहा है, हरियाणा हरियाणा वालों को देश के सिटीजन के साथ में इक्वल नहीं मान रहा है। तो ये आप लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहां पर, कि देश के सिटीजन को देश के सिटीजन के इक्वल नहीं माना जा रहा है। हरियाणा एक अलग से ऐसा हो गया, मान लो कि हरियाणा एक देश हो गया अलग से, वहां पर कोई एंट्री करेगा तो सूझबूझ कर करेगा। संविधान जो है वो बात करें तो वो बात करता है कि इक्वल अधिकार है सबके। तो यहां पर जो स्टेट है वो एक विजन जो है हमारे देश का कि कोई भी पर्सन देश में कहीं भी घूम सकता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है यहां पर। तो इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है कि इंसान को देश के अंदर घूमने ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। रिस्ट्रिक्शन लगा देना इस तरीके से कि कहीं पर भी वो जा सके। आप लोग सोचिए, मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आप लोग रहने वाले हैं आज के दिन में महाराष्ट्र के, और आप लोगों को जाकर रहना है मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ यार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर वहां पर जॉब मिल जाए तो, ठीक है। पर लेकिन सोचो मैं बोलूं कि जॉब नहीं मिलेगी अगर आप लोग वहां पर जाएंगे, तो आप लोग बोलोगे कि यार दिमाग खराब हो रखा है, क्यों फालतू में फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, वैसे ही जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक सिटीजन जो है अगर कहीं जाकर रहेगा, या तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि उसको स्टडी करनी है, चलो यार चले जाते हैं वहां पर अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, या फिर उसको जॉब मिल जाए तो ही वो इंसान जा सकता है। उसको बोलो चलो जाकर तुमको वहां पर रहना है अपने परिवार को छोड़कर, पूरी दुनियादारी छोड़कर, कोई इंसान अपने घर से नहीं निकलेगा। तो अगर जॉब ही यहां पर आप लोग उनको दे नहीं रहे हो, वो घर से निकलेंगे नहीं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं सिटीजन के लिए माइग्रेट करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो उसका माइग्रेशन का जो अधिकार है वो आप लोगों ने छीन लिया है डायरेक्टली, बिना कोई बात बोले हुए डायरेक्टली आप लोगों ने उसकी कहानी खत्म कर दी है। ये बातें यहां पर बोली गई। तो कहने का मतलब क्या हो गया? बात ये होगी कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। और इसी के साथ में कुछ और बातें जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं कि कहां कहां पर क्या क्या मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर कल को चलकर यहां पर ये सारी चीज चलती रहती है तो पोटेंशियली ये काफी इंक्रीज कर देगा कंपनी की कॉस्ट, क्योंकि पता चला हरियाणा के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टैलेंटेड बंदे नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे, पर लेकिन जिस टैलेंट की रिक्वायरमेंट कंपनी को हो सकता है कि वो वाला टैलेंट थोड़ा कम हो वहां पर, तो इसके चलते उनको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा लोकल कैंडिडेट को, उसके बाद में उन्हीं को वो ले पाएंगे, वरना वो काम नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी और कंपनी वहां पर एक तरीके से छोड़ छोड़कर निकलने लगेगी, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से एक्सोडस कंपनी को छोड़ छोड़कर वहां पर निकल गए, तो ये एक तरीके से कंपनी ही निकल जाएंगे यहां पर। और खासकर एनसीआर में जो गुरुग्राम वाला रीजन है, गुड़गांव जिसको आप लोग बोलते थे, वहां पर देखने को मिलेगा बहुत लार्ज स्केल पर कंपनीज रहती हैं, जिसके चलते उनको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बोला गया यहां पर, ये इनकम इनइक्वलिटीज को यहां पर स्टेट के अंदर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और खासकर जो सिटीजन है पुअर स्टेट के, यहां पर जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में, तो वो भी मुद्दा यहां पर निकल कर आएगा। इसी के साथ में यहां पर कॉन्सिक्वेंस होगा कि आइडिया ऑफ इंडिया एज ए नेशन, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया। और इसी के साथ में जो स्टेट है यहां पर, वो अपने आप को जो एक तरीके से ऐसा सोचने लगेंगे, देखो सोचो एक मिनट के लिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आज के में आप लोग हरियाणा से आते हैं, ठीक है, और हरियाणा जो है वो बाउंड्री बंद कर दे, बाहर से कोई नहीं आएगा, सब यहीं पर रहेंगे, तो आप लोग को ये नहीं लगेगा आप लोग इंडियन नेशन है, आप लोग को ये लगने लगेगा हरियाणा वासी है हम लोग, हरियाणा हमारा बेसिकली एक तरीके से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी आप लोग यहां पर बनती नजर आएगी। तो ये बिल्कुल ही एक गलत माहौल देश के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बातें यहां पर सारी बोली गई हैं। तो ये सारे मुद्दे जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के अलग है। आप लोग देखेंगे यहां पर आर्टिकल 14 संविधान में क्या बोलते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप लोग यहां पर इंसान को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आर्टिकल 15 भी यहां पर बोलता है प्लेस ऑफ बर्थ, यहां पर डायरेक्ट बोला गया। आर्टिकल 16 भी बोलते हैं यहां पर जो कि इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, अगर आप लोग यहां पर कहीं आप लोगों को इंप्लॉयमेंट चाहिए तो यहां पर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, ठीक है। तो यहां पर ऑल सिटीजन, यहां पर ऐसा नहीं बोला कि हरियाणा के सिटीजन ओनली, तो ये भी यहां पर इसका भी हनन आप लोग करता नजर आएगा। और इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो आर्टिकल 19 में आप लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग कहीं पर भी जाकर फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो भी यही हनन होता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 19 को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का डी में आप लोग जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिखा हुआ है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो 19 के 5 में जाकर आप लोग काम कर सकते हैं। पर लेकिन इंप्लॉयमेंट के नाम पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, तो ये आप लोगों का अधिकार नहीं है, आप लोग के अधिकार के अंदर नहीं आते हैं, ये बात यहां पर बोली गई है। ये स्लाइड फिर भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आगे चलकर भी, अभी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में एक आर्टिकल आएगा तो वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी मुद्दा यहां पर क्या बोल दिया गया, मुद्दा यहां पर ये बोला गया कि आज की डेट में कोर्ट जो है वो नैरो क्वेश्चन को न देखें कि हाँ बस फंडामेंटल राइट का इशू हो गया है। ये फंडामेंटल राइट का इशू नहीं बच गया अभी यहां पर,
कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, घूमने नहीं दिया जा रहा है, जॉब नहीं करने दीजिए, नहीं, ये हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है यहाँ पर। मतलब कि हमारा जो एक तरीके से बेसिक नेचर है कि हमारा कंट्री एक यूनियन ऑफ स्टेट है और सारे स्टेट मिलकर एक साथ में रहते हैं यहाँ पर, ऐसा थोड़ी ना है हमारे देश में कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। भाई हरियाणा वाले बोले कि हमको तो अलग रहना है, या फिर यहाँ पर तमिलनाडु बोले हमको तो अलग रहना है, ठीक है, नहीं, मिलकर एक जगह रहेंगे, लड़ लो कितना भी, यहाँ पर परिवार जो है वो अलग नहीं होगा, एक ही परिवार के लोग हैं सारे, एक ही परिवार में यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग इस मुद्दे को समझ रहे हो, ठीक है, हुआ ना, एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो रही है ना, आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिला। तो ये पूरा आर्टिकल मुझे बड़ा ही बेहतरीन लगा, इसलिए काफी डिटेल में डिस्कस किया। और कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डिस्कशन सुनने के बाद में हमको कोई भी एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्या? देखिए, अगर आप लोगों को लगता है डिस्कशन सुनने के बाद में कि आप लोगों के पास में इतना टाइम है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ये तो एक बात होगी। पर लेकिन अगर बोलूं कि आप लोगों ने सर बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा क्या कि कम से कम एक आर्टिकल डेली पढ़ना है आप लोगों को। एक आर्टिकल अगर आप लोग रेगुलर पढ़ पाते हैं, एक आर्टिकल डेली पढ़ पाते हैं, तो आप लोग जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए डेली एक आर्टिकल मैं पोस्ट करता हूं। अगर आप लोग के एरिया में न्यूज़पेपर भी नहीं आता है तो आप लोग SLVpedia पर जाना, ये यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे अभी लगभग 15-20 दिनों के अंदर ही 26,000 के 27,000 मेंबर होने वाले हैं। तो यहाँ पर डेली एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, डेली जो इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें पोस्ट करता हूँ। आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। माइंड को स्टेबल करने के लिए आप लोग अगर चाहते हैं तो सुडोकू आप लोग भर सकते हैं, वो पोस्ट करता हूँ। और डेली वोकैबुलरी जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी वो पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, हालांकि यहाँ पर और भी कई सारी चीजें अभी आप लोगों को मिलना स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मिल जाती है, बहुत सारे नोट्स भी आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि ऊपर जाकर आप लोग देखोगे तो मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी ये तो मैंने आर्टिकल यहाँ पर बता दिया, कुछ और बातें अगर बात करूं कंसर्न क्या है। देखिए, यहाँ पर एक्सोडस यानी कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंपैक्टेड यहाँ पर हो जाएगी और टैलेंट का क्रंच भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये भी कई सारी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसी के साथ में रीजन क्या है ऐसे लेजिस्लेशन बनाने का, वोट बैंक आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बार इकोनॉमी की जो खस्ता हालत होती है उसको सुधारने के लिए भी काम करते हैं कई सारे लोग, ठीक है, कि अपने एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब मिले, ठीक है। इसी के साथ में इनकम और बेसिकली बात की जाती है इंक्रीज द इनकम एंड द टैलेंट, ठीक है, ताकि यहां पर बात करें एक तरीके से जॉब अगर लोकल को दी जाएंगी तो लोकल के हाथ में ही पैसा आएगा वो रहता है, ठीक है। लैंड एक्विजिशन कई सारी कंपनी करती है उस स्टेट में जाकर, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि कम से कम यहीं पर ही हमारे लोगों को जॉब मिले क्योंकि हम लोग लैंड दे रहे हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में याद रखेगा। तो पूरा आर्टिकल यहां पर कई सारे एंगल से आप लोगों के सामने आ गया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करूंगा। तो आप लोगों से यहाँ पर ये सोसाइटी पर कैंप पैड पड़ता है इसका, और इसी के साथ में जो फंडामेंटल राइट है उसके चलते आप लोगों का आर्टिकल बन सकता है। अभी अगर बात करें संविधान के अंदर, क्वेश्चन कोई आप लोगों से पूछ ले कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है भाई बताओ तो सही किस आर्टिकल के अंदर में आती है, आखिर क्या है यहाँ पर, इसके बारे में मेंशन है कहीं पर, तो याद रखिएगा ओरिजिनली संविधान के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर इस एरिया में इस आर्टिकल के अंदर में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा हुआ है कहीं, नहीं ऐसा कहीं नहीं है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में जब आप लोग जाओगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है। तो इससे यहां पर निकाल लिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है यहां पर, जो स्पीच और एक्सप्रेशन किसी इंसान का है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप लोग बोलकर अपने आप को स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, गाकर बता सकते हैं, जैसे नेहा वाला मैंने अभी बताया ना कि यूपी में काबा, तो वो उनका फंडामेंटल अधिकार वो यूज कर रही है, कोई इनको रोक नहीं सकता, किसी के खिलाफ वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, बस अपनी एक टैलेंट को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो एक तरीके से वो भी फ्रीडम की कैटेगरी में यहां पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आर्टिकल यहां पर कहीं ना कहीं पावर देता है कि प्रेस जो है वो हमारी कंट्री में एक चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का। क्यों? एक तो हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया यहां पर एग्जीक्यूटिव और एक हो गया जुडिशरी। तीन तो ये हो गए यहां पर कानून बनाने वाले, कानून इंप्लीमेंट करने वाले और कानून को देखने वाले कि क्या संविधान के हिसाब से है कानून या फिर नहीं। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए में ये सारी बातें बेसिकली देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया का यहाँ पर आ जाता है। पर लेकिन अगर कोई अपने हद से बाहर, अपने दायरे से बाहर है कि अपने पैजामे से बाहर जा रहा है कोई इंसान, तो यहाँ पर इलेक्शन रेखा नहीं लागेगा कोई भी। तो आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाता है। तो आप लोग ये तो पढ़ लेते हो, पर लेकिन ये वाला नहीं पढ़ते हो, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है स्टेटमेंट देगा। ओके, अभी समझते हैं हुआ क्या। केरला के अंदर यहां पर पर्टिकुलर मीडिया वन करके यहां पर एक न्यूज चैनल है, उस चैनल को अभी बंद करा दिया गया ये बोलकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी का इश्यू आ गया, तो इसको यहां पर बंद करा दिया गया।
केरला हाई कोर्ट में यहां पर बातें पहुंची, तो केरला हाई कोर्ट ने भी यहां पर बेसिकली उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन लगा रखी थी उसको हटाने से मना कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर चैनल को परमिशन नहीं दी गई, तो इसके चलते यहां पर चीजें उसी पैटर्न में चलती रही। यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जब लोगों को लगा जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे यार ये तो गलत हो रहा है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर आर्टिकल 19 के तहत में, तो यहां पर ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने यहां पर क्या किया, उनका जो मुद्दा है वो सुनने से ही मना कर दिया और गवर्नमेंट की दलील एकदम मान ली यहां पर। तो राइटर यहां पर ये बोले कि चलो सही है, आप लोगों को लग रहा है कि यहां पर ये सिक्योरिटी का हनन हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग ये तो देखिए सिक्योरिटी के बारे में जब आप लोग बात कर रहे हैं, एक साइड में सिक्योरिटी है और एक साइड में अधिकार है, ठीक है। और यहां पर जब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो एक बैलेंस उसके बीच में होना चाहिए, और कम से कम अगर आप लोग ये मान ही रहे हैं कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है, भाई साहब उनको अपना पक्ष तो रखने का मौका दो कम से कम। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया मैंने कोई गलती की और मुझे उठाकर जेल में डाल दिया, अरे पूछ तो लो यार वो गलती क्यों की है, क्या पता वहां पर कोई एक्सीडेंट ऐसा, देखो आप लोगों को एथिकल भी क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा अगर आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, नॉर्मली आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। आप लोग एक रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, और रोड पर जाते जाते यहां पर आप लोगों के सामने जो है एक बेसिकली यहां पर क्या हुआ, आप लोगों के सामने बच्चों की एक भीड़ आ गई, यहां पर कहीं से बच्चे आ रहे थे और वो रैंडमली आप लोगों के सामने आए। अब आप लोगों ने क्या किया, उन बच्चों को बचाने के लिए तुरंत गाड़ी मोड़ी, आप लोगों की गाड़ी मुड़ती आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई एक दो इंसान और बैठे होते उनके ऊपर को गाड़ी उतर कर चली गई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों ने जानबूझकर थोड़ी ना किया, यहां पर ये तो उन इतने सारे बच्चों की जान चली जाती, उसको बचाने के लिए रैंडमली आप लोगों ने गाड़ी मोड़ी और नजर नहीं पड़ी, इसकी वजह से कईयों की डेथ हो गई, पर लेकिन यहां पर आप लोगों के हाथ से कहने के लिए क्राइम हो गया, ठीक है। तो एक तो वो क्राइम हो गया कि सामने बच्चे उनके ऊपर चढ़ा के चले गए, दारू भी रखी है, ठीक है, एक ही हो गया कि यहां पर ये वाला सिस्टम आ गया, तो दोनों में डिफरेंस है, तो कम से कम सुनने का मौका तो दो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कुछ बातें बोलते हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, दो बातें तो जरूर याद रखिएगा उसकी। पहली बात यहां पर किसी भी इंसान को बिना सुने आप लोग एक तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है, इतना तो कम से कम अधिकार होना चाहिए। दूसरा, आप लोग अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते, यानी कि अपना ही केस है अपना आप ही जज बनकर बैठ गए। तो ये दो मुद्दे काफी इंपोर्टेंट यहां से निकल कर आते हैं जो कि आप लोग समझिएगा। तो फंडामेंटल राइट 19वां ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, पॉलिटी के अंदर अगर आप लोग जाकर देखोगे काफी डिटेल में, मैंने यार एक अलग से चैप्टर ले रखा आर्टिकल 19 के ऊपर, जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो इतना ज्यादा न्यूज में जिसकी कुछ हद नहीं है अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो 25 से लेकर 28 तक आता है। कल्चरल राइट के बारे में बात करें, एजुकेशन राइट के बारे में, तो 29-30 और ये यहां से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 के अंदर आता था, अभी यहां से इसको हटा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं, वो 1976 में किया गया था, पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था वो 1978 में किया गया था। ये काफी इंपोर्टेंट, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी यहां से हटा दिया गया था और इसको किस आर्टिकल में डाला गया है ये आप लोगों को बताना है। और राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा अभी क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया था कि ये इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, ओनली बाहर वाले लोगों के लिए भी है, अगर कोई आकर यहां पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये नहीं कि कोई उसको ऐसे ही हड़प लेगा, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आप लोगों के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो यहीं पर ही बोल रखा है कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो अगर इनमें से कोई आप लोगों के अधिकार का हनन करता है। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बार तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। रिलीजन के नाम पर, फंडामेंटल राइट के नाम पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के नाम पर, अब कि कोविड-19 के चलते लोग कहां से कहां जा रहे हैं, तो ये चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। किसी भी पेपर को उठाओगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए पॉलिटी के फंडामेंटल राइट वाले जो चैप्टर मैंने आप लोगों के तैयार करा रखे हैं, जो डिस्कशन करा रखे हैं, उनको जाकर रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड करा रखी है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। को नहीं पता है कहां पर है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहां पर टेलीग्राम के भी ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर भी मैंने इनको पिन कर रखा है, कंप्लीट पॉलिटी की पीडीएफ भी यहां पर पिन कर रखी है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर। इसी के साथ में यहां पर मंथली वीडियो भी जो आप लोग की आती है, अभी मैंने फरवरी जो जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया था और उसकी पीडीएफ भी यहां पर डाल दी थी। इसी के साथ में यहां पर जाकर देखोगे तो पॉलिटी के सारे जो लेक्चर हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहां पर ऐड कर रखी है, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के सामने, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, निबंध कैसे लिखना है, सी सेट के बारे में बोलें कि सारे सर सी सेट के बारे में बता दो, ऑलरेडी बना रखी यार सी सेट 2 महीने में कैसे कवर करना है, ठीक है। सारी चीजें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कैसे बनना है, कैसे यहां पर आप लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी चीजें तो हैं आप लोगों के सामने, बस थोड़ा सा सर्च तो करो उसको, देखो तो सही। इवन पिन भी कर रखी यार मैंने, आप लोग देखोगे तो आप लोग वैसे ही बोलते रहते हो सर इसके ऊपर बना दो उसके ऊपर बना दो, एक बार चेक तो कर लो उसको, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है।
तो यहां पर ये मुद्दे आप लोगों को जो देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करें कि कहा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे यहां पर अगर कोई केस पहुंच रहा है ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका एक बेसिक पर्पज ये बनता है कि एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई उसके पास में आ रहा है किसी केस को लेकर तो उसको सुनने का बोलने का मौका तो देना चाहिए। अगर उसको सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे अपनी बात रख पाएगा और कैसे यहां पर हमारे देश में एक तरीके से न्याय हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल न्याय तर्क एक संगत कोई काम ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यहां पर इस तरीके से बात बोल सकते हैं। एक छोटी सी और बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में याद रखिएगा। 1950 में एक यहां पर बेसिकली रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया, तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 के ए में से आप लोग निकालकर बाहर रख सकते हैं ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों के अधिकार हो गए, आप लोग कुछ भी लिखोगे कुछ भी गाओगे, नहीं, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगा रखी है। अगर देश की सॉवरेनिटी को हनन कर रहे हैं, सिक्योरिटी को हनन कर रहे हैं, अगर फ्रेंडली जो नेशन है किसी ऐसे देश के साथ में हमारे रिलेशन को बर्बाद कर रहे हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, या फिर यहां पर कोई भी ऐसा उकसाने का काम करने किसी को, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मतलब क्या है, यहां पर अधिकार है भाई साहब, आप लोगों के अधिकार एंजॉय करिए, पर लोग के आप लोगों के अधिकार दूसरों के अधिकार में टांग न अड़ाएं, इतना दायरा आप लोगों को जरूर रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करिए ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। तो अभी जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, तो वहां पर कई बार ये आर्टिकल न्यूज में आया ठीक है, कई जगह अभी यहां पर बात की जा रही है, अभी ये और केस आ गए यहां पर, अभी ऐसा ही केस देखा था हम लोगों ने जब साउथ इंडिया में यहां पर कई सारे राज्य क्या कर रहे थे, वो मीडिया को दबा रहे थे, अगर मीडिया यहां पर ये बता रहा था कितने लोगों की जान चली गई है, तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने आर्टिकल देखा था। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा उमदा हो चुके हैं फिलहाल, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा ठीक है। तो पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेना ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन आया, यहां पर क्वेश्चन का आर्टिकल आया बेसिकली, क्यों, क्योंकि 8-9-10 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मिली, और मिलने के बाद में उसके द्वारा बताया गया कि फिलहाल जो है सिचुएशन जैसी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से जो रेपो रेट है उसको 4 पर रखा जाएगा, यानी कि 4% रहेगा रेपो रेट, चेंज नहीं किया जा रहा है, और 3.35% रहेगा यहां पर रिवर्स रेपो रेट। एक तो ये इनको पॉलिसी रेट बोलते हैं, रेपो रेट को बेसिकली याद रख लेना आप लोग, इसके साथ में यहां पर ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, जो पहली बार भी अगर ईपीएफओ का पेपर आप लोगों ने उठाया होगा उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो डायरेक्ट मैंने इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो बना रखी थी उसी से आया था। अब की बार भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे की और यहां पर बजट की वीडियो अपलोड की है, उनको देख लीजिएगा, कई सारे बच्चे देख चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको देख लेना। एक बच्चा कह रहा है सर सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दो, यार अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग यूपीएससी के सिलेबस को जाकर लिखेंगे ना एक बार यूट्यूब पर बाय वीर, पूरा एक घंटे से ज्यादा है, प्रीलिम्स मेंस कहां पर एसए या फिर जो ऑप्शनल पेपर क्या क्या सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है, एक घंटे की वीडियो ओनली सिलेबस के ऊपर, तो समझ सकते हैं आप लोगों को पूरा एक एक पॉइंट बताया उसके अंदर कि कहां कहां पर क्या क्या पॉइंट रखा हुआ है, वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट है, और सीरियस तरीके से देखने वो वीडियो, ऐसा नहीं कि बस हवा हमें उतार दी, क्योंकि वही आप लोगों के लिए बेस बनाती है। तो इसमें अगर बात करें 2022-23 के लिए बोला गया था 8 से लेकर 8.5 तक यहां पर प्रोजेक्शन किया गया कि हमारा जो है वो ग्रोथ रहने वाली है, खुद ये गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में बातें बोली गई है ठीक है। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जब यहां पर जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं, अगर उनके पास में पैसे की कमी पड़ जाती है ठीक है, तो वो क्या करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले लेते हैं। तो यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसे देता है तो उसमें जो इंटरेस्ट लगाता है वो रेपो रेट के बेस पर लगाता है ठीक है। पर लेकिन जब यहां पर बैंक के पास में दुनिया भर का पैसा पड़ा हो और कोई उससे पैसा लेने नहीं आ रहा है तो उसको लगता है फालतू में पैसा पड़ा है, थोड़ा बैंक के पास में जाकर रख दे आरबीआई के, वो थोड़ा हमको इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। तो फिर जब ये बैंक के पास में जाते हैं आरबीआई के पास से पैसा लेकर, तो उनको 3.5% का इंटरेस्ट देता है यहां पर अगर उसके पास में पैसा ले जाकर रख देते हैं। तो देश के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है महंगाई घटती है उसको बेसिकली मैनेज किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकेला रोल प्ले नहीं करता है, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर यहां पर काम करती है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कल को हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कम करनी है, सोशल स्टेबिलिटी बनानी है, तो दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे। वो किस किस तरीके से, दोनों के पास में अपने अपने हथियार हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हथियार है किसके पास में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, टैक्स लगा देना, टैक्स को इंप्रूव कर देना, जीएसटी वगैरह इंप्लीमेंट कर दिया, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो ये सारा काम फिस्कल पॉलिसी के अंदर में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं बेसिकली, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंदर ये सेंट्रल बैंक मैनेज करता है ताकि देश के अंदर गोल क्या रहता है चीजों को मैनेज किया जा सके। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। इसके अंदर आप लोगों को टोटल मिलाकर कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, टोटल मिलाकर 6 मेंबर देखने को मिलेंगे, 3 तो आरबीआई से निकलकर आते हैं और 3 आते हैं यहां पर गवर्नमेंट से, और इसमें रिजर्व बैंक के जो इंडिया के गवर्नर है वो हेड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, उसमें था स्टेटमेंट में कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने बेसिकली होते हैं ठीक है। तो ये काम किया जाता है यहां पर।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कोई बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ ले तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो यहां पर 1935 में 1 अप्रैल को बनाया गया था। इसी के साथ में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कोलकाता में था, फिर उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया 2 साल बाद ही 1937 में। और यहां पर बेसिकली ओसबोर्न स्मिथ ये पहले इसके गवर्नर थे, ये याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम लोग बना तो देते हैं पर लेकिन कहां से बनाते हैं, तो हमारे जो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में चेंज किया गया उसके तहत हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट 4 times a year यहां पर मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक टारगेट दे रखा है कि इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, वो टारगेट क्या है वो टारगेट आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे ये इन्फ्लेशन के बारे में 4-5 बार आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए। इन्फ्लेशन को बेसिकली यहां पर 3 तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो रहता है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली कैसा रहता है यहां पर, ये कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव साइन देता है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई प्रोवाइड करा दो तो मार्केट में जॉब भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी सही डायरेक्शन में चलेगी, तो ये अच्छे लेवल पर चीजों को बढ़ाता है। दूसरा होता है बुल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी कि लोगों की सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ी है तो सामान खरीदने जा रहे हैं तो अच्छा है, उसके बाद पर यहां पर इकोनॉमी बढ़ती नजर आएगी कि हम लोग जो है सामान खरीद रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कई बार काफी सस्ता लोगों को लोन दे देती है ताकि वो सामान खरीदे, और यहां पर तो इन सब चीजों से बेसिकली लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, तो इससे भी एक पॉजिटिव एक माना जाता है कि ऐसा इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। पर लेकिन जो ये पोस्ट पुश इन्फ्लेशन ये सबसे खतरनाक होता है। मान लीजिए हम लोग बाहर से तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, क्रूड कच्चा तेल क्रूड ऑयल, वो महंगा आने लगा तो वो कई क्या काम करेगा, वो महंगा आने लगा तो हमारा देश में सारी चीजें महंगी होने लगेगी, ये खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आप लोग आज के दिन मान लीजिए एक तरीके से जो रो मटेरियल है वो महंगा हो गया तो सामान बनने महंगे हो जाएंगे, जैसे हवा में गैस भरनी है तो गुब्बारे का प्राइस वही है पर लेकिन गैस का प्राइस बढ़ गया तो गुब्बारे का प्राइस भी बढ़ जाएगा, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। क्रूड ऑयल भर रहे हैं गाड़ी में तो यहां पर उसका प्राइस बढ़ गया तो वो समझ सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हुआ तो उसको दूर करिएगा क्योंकि सारी बातें माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को रहनी चाहिए। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक और आर्टिकल यहां पर एमएसपी के बारे में देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में यहां पर ये बोला गया कि आज की डेट में जो क्रॉप है उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो देना चाहिए जो किसान है उनको एक सपोर्ट मिल सके और उनकी जिंदगी जो है वो ठीक तरीके से चलती रहे। तो ये जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर जो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो यहां पर एग्रीकल्चर प्राइसिंग है उसके अंदर आ जाता है। नॉर्मली हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पैटर्न है, आप लोगों को देखने को मिलता है रबी क्रॉप हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, इनके टाइम पीरियड सारे मैंने बता रखे हैं कब से कब तक इनको उगाया जाता है और कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली इनको अगर खेतों में किसानों ने उगा लिया और उनको किसी ने खरीदा नहीं, एक तो अपने खाने के लिए उगाया चलो उनका काम चल गया पर लेकिन उसमें काम नहीं चलेगा, कल को बच्चों की एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, घर में गैस चूल्हे वगैरह भी लेकर आना है उनको चलाना है, कोई बीमार हो गया उसका इलाज भी करवाना है, घर में मरम्मत वगैरह भी कराना है, टूट फूट गया कुछ, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। तो पता चला उन्होंने खेतों में सामान लगा तो लिया पर कोई इसको खरीद नहीं रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है हमारे देश में 23 जो फसल है उनके लिए दिया जाता है, आप लोग यहां पर देखते हैं 23 ग्रुप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। पर लेकिन आता कहां से है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए होंगे। तो यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये यहां पर रहता है, रिकमेंडेशन देता है कि यहां पर कैसे कैसे होना चाहिए। तो 23 तो फसल है यहां पर नॉर्मली, और एक होता है फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस, वो रहता है सुगर कैन के लिए अलग से, यानी कि इनके लिए होता है यहां पर होता है बेसिकली अलग जो नॉर्मल क्रॉप है, और गन्ने के लिए अलग से होता है, यहां पर उसके बारे में बात करूंगा अलग से। पहले बात करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आते हैं, 1995 में बनाया गया था, एक एडवाइजरी बॉडी है यहां पर ये, यानी कि इसने कुछ बातें बोल दी तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि उसकी बातें माननी ही माननी है, कोई भी बाइंडिंग बातें यहां पर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर क्या क्या इसके अंदर है, 23 क्रॉप कौन सी यहां पर, तो वो आप लोगों के सामने है, और यहां पर एक है सुगर कैन साथ में। तो यहां पर अलग अलग रखा गया पेडी, वीट, बार्ले, सारी ग्राम, ये दाल वाल, ग्राउंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉटन वगैरह सब यहां पर रखा गया है। 23 की 23 क्रॉप आप लोग एक बार देख लेना, यहां पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर, तो मैंने डिटेल में बता दिया। तो यानी कि इनको यहां पर मिलता है, पर लेकिन गन्ने का मुद्दा क्या है, अभी काफी ज्यादा न्यूज में था गन्ना, क्योंकि यहां पर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में गन्ने का इशू बनाया गया इलेक्शन से पहले, तो उसके लिए रहता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। मतलब क्या है, पहले तो कमेटी याद रखिएगा, रंगराजन कमेटी है जो काफी इंपोर्टेंट है, जिसके द्वारा यहां पर बताया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस।
तो फेयर एंड रेमुनरेटरी प्राइस जो है यहां पर वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का ही मामला है जो मैंने अभी बताया। और कैबिनेट कमेटी जो यहां पर बेसिकली जिसको अनाउंस किया जाता है उसको रिकमेंडेशन देता है यहां पर ये कमीशन ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। तो यहां पर ये एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंडेशन देगा, फिर यहां पर कैबिनेट कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है वो इसको अनाउंस कर देगी। जैसे यहां पर कैबिनेट कमेटी के द्वारा अनाउंस कर देगी फेयर एंड रेमुनरेटरी प्राइस इतना रहने वाला है, फिर स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से इसके ऊपर अलग से कुछ पैसा रख रखकर अपने किसानों को देगी। मतलब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि 200 रुपए क्विंटल जो है वो गन्ना लेना है, अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए हरियाणा गवर्नमेंट ने दे दिया कि ठीक है हम लोग 280 देंगे, यानी कि 80 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, पंजाब ने बोला 290 देंगे, उत्तर प्रदेश बोला 350 देंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे जो दे देकर चल रहे हैं इसका मतलब स्टेट ने अलग से डाल दिया। तो मतलब क्या हो गया, हमेशा जो स्टेट का प्राइस है वो यहां पर सेंटर के प्राइस से ज्यादा होगा क्योंकि स्टेट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गन्ना कहां उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। याद रखिएगा फर्स्ट है हमारा देश, वो सेकंड है हमारा देश आफ्टर ब्राजील, ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये कई सारे बाई प्रोडक्ट है इसके। और यहाँ पर कई सारी स्कीम भी लाई जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो स्कीम फॉर द एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शुगर अंडरटेकिंग। कई बार गन्ना मिल जो है वो रोने लगते हैं हमारी खस्ता हालत रखिए को सपोर्ट प्रोवाइड करो, तो यहाँ से उनको सपोर्ट भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके चलते जो शुगर इंडस्ट्री उनको सपोर्ट मिलती है क्योंकि अभी बायोफ्यूल भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं गन्ने को यूज कर, तो कई सारे इश्यूज हैं जो इसके बारे में याद रखेगा। पर लेकिन हर टाइम मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा भी, ये भी बात आप लोग याद रखेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कंडीशन भी रहती है खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी कि हम लोग ज्यादा अपना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो इसके चलते भी इशू रहता है और सब किसानों से खरीदा भी नहीं जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ओके, जो बात की जा रही है गवर्नर के बारे में, आखिर ये इशू क्यों निकल के आया, तो यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर कहां से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो जीएस पेपर 2 में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वहां पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नर की पावर्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप लोगों का स्टैटिक और करंट मैं साथ में लेकर चलूंगा जिससे कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। पहले हम लोग समझते हैं आखिर बात क्या की जा रही है, कहां से निकलकर बात आ रही है, तो बात निकलकर आ रही है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी जी, और वेस्ट बंगाल हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है 3 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, इधर से आप लोग नेपाल देख सकते हैं, इधर से आप लोग भूटान देख सकते हैं, और यहां से आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली ये टच करता हुआ नजर आएगा बांग्लादेश को, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को इंपोर्टेंस है इसकी, ठीक है। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य टच करते हैं फिर भूटान के साथ में, तो नॉर्मली लोग जो है वेस्ट बंगाल को छोड़ देते हैं, तो वेस्ट बंगाल को नहीं छोड़ना है, ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है, कंफ्यूजन में भी कई बार आप लोग आ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहां पर क्या मुद्दा है, यहां पर ये है, यहां पर वेस्ट बंगाल की गवर्नर और वेस्ट बंगाल के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में बनती नहीं है। तो जो यहां पर गवर्नर होते हैं वो अपॉइंटिंग हेड होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट की जाती है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां पर वो इलेक्टेड हेड होते हैं। तो नॉर्मली हमारा संविधान ये बोलता है कि ज्यादा पावर जो मिलनी चाहिए वो इलेक्टेड को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे होते हैं। पर लेकिन रिसेंटली आप लोगों को कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जो मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, महाराष्ट्र के बीच में भी यहां पर देखने को मिला, तमिलनाडु के बीच में भी, और यहां पर वेस्ट बंगाल के बीच में भी। होता क्या है, यहां पर जब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट रहती है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट रहती है तो ऐसी रस्साकसी अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये अभी की बात नहीं की जा रही, यहां पर पुराने टाइम पर भी आप लोगों को ये सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, चाहे यहां पर बीजेपी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, तो ऐसे इश्यूज आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर सेंटर में कांग्रेस है तो तब ऐसी हरकतें अलग होती है, और बीजेपी है तो अलग हरकतें होती है। आंसर राइटिंग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। बस समझाने के लिए नाम लेता हूं इनको ताकि आप लोग चीजों को ढंग से समझ सके। ओके, आगे बात करते हैं, यहां पर हुआ क्या, अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा जब गणतंत्र दिवस था वहां पर भी रस्साकसी चल रही थी। एक तो वेस्ट बंगाल का जो टेबलू था उसको, यानी कि जो झांकी थी वो अलाउ नहीं की गई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर अपनी कैपिटल के अंदर जाकर उसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये मुद्दा देखने को मिला था। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह था कि गवर्नर को रिसीव करने नहीं गई थी चीफ मिनिस्टर, आप लोगों ने देखा उस टाइम पर, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, कि किस तरीके से इग्नोर किया गया गवर्नर को। तो कई सारे ऐसे इश्यू देखने को मिलते हैं, तो ये मुद्दे बन रहे हैं काफी ज्यादा। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोगों को थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। जो झांकियां होती हैं हमारे देश में जब गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाती हैं, तो यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री जो होती है इन सब चीजों को मैनेज करती है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी अभी यहां पर, और जगदीश जो दिनकर हैं, उनके बीच में रस्साकसी देखने को मिली, और रस्साकसी भी बिल्कुल ऐसा है जैसे बच्चे नहीं लड़ते हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा कि क्या इश्यू यहां पर देखने को मिल रहा था। बात की जाए तो यहां पर काफी लंबे समय से बातें चल रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार यहां पर ऐसा कुछ हुआ है। तो यहां पर जो इलेक्टेड और जो अपॉइंटेड जो पर्सन है उनके बीच में ये रस्साकसी देखने को मिल जाती है। अभी ऐसे ही रस्साकसी आप लोगों को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी जिक्र यहां पर किया गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो यहां पर अपॉइंटेड
हेड है उनके बीच में ऐसी कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। अभी यहाँ पर क्या किया गया ममता बनर्जी जी के द्वारा, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर ममता बनर्जी जी के द्वारा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया जो गवर्नर थे उनको, कहाँ पर, ट्विटर के ऊपर। यानी कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कई बार आप लोग ब्लॉक कर देते हैं ना, तो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ब्लॉक कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर दोनों के द्वारा मैसेज पर बात हुई, चलो चीजों को नॉर्मल करते हैं। और जो भी बातें हुई यहाँ पर गवर्नर साहब के द्वारा, वो फिर से यहाँ पर ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दी। उन्हें पर्सनली हम लोग कुछ बातें करने लगे कमेंट में, और फिर से गवर्नर साहब ने उसको जाकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पर फिर से उसको पब्लिक कर दिया। तो उससे यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो फिर से गुस्सा हो गई और ज्यादा, कि यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हरकत कर रखी है। और इनके द्वारा कमेंट कर दिया गया कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को एक बाउंडेड लेवल की तरीके से रखा जा रहा है, भाई साहब हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग ऐसा नहीं है कि बाउंडेड लेवल है कि हमसे फोर्सफुली कोई कुछ भी कराएगा। क्यों ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि गवर्नर साहब जो है कभी भी समन कर लेते हैं यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो कि काफी हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट के अंदर में, और इसी के साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, यानी कभी भी इनको यहाँ पर समन कर लेते हैं, और अगर कोई मना करता है तो ट्विटर पर टैग कर देते हैं तुरंत यहाँ पर ममता बनर्जी जी को। यानी कि वो नहीं है एक तरीके से बच्चे बोलते हैं कि मेरी पेंसिल छीन ली, मेरी रबड़ छीन ली, तो वो वाली रस्साकसी दोनों के बीच में आप लोगों को पब्लिकली देखने को मिलेगी। एक तरह की सामने नहीं आ रहा है, तो ये इश्यू यहाँ पर निकल कर आता है। तो दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो कई बार देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर इसी के चलते जो असेंबली के जो स्पीकर है यहाँ पर, जिनका नाम था बिमन बनर्जी, ठीक है, तो रिसेंटली वहां पर भी काफी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, उसको लेकर भी यहाँ पर इशू सामने निकल कर आए। जब यहाँ पर पास करने की बात आई, ये बेसिकली हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021, तो उसको डिले किया गया, ऐसा माना जा रहा है गवर्नर के द्वारा, जो कि यहाँ पर जनता को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता। इसके चलते यहाँ पर पोल, जो कि लोकल लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं लोकल के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें भी यहाँ पर इशू देखने को मिले। तो इसके चलते कई सारी वेलफेयर जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पाती है जनता तक। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली माना यह जा रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम पर अपोजिशन में कौन बैठी है यहाँ पर, प्रेजेंट जो है बीजेपी, तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नर का, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर से बोलता हूं, एग्जाम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है। आर्टिकल जो रहते हैं आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं रहते हैं, ठीक है, आर्टिकल रहते हैं आम जनता के पॉइंट ऑफ से। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यहाँ पर देखना है, बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से। सेम प्रॉब्लम आप लोगों को महाराष्ट्र और गवर्नर के बीच में, महाराष्ट्र के गवर्नर के बीच देखने को मिलेगी, जिनका नाम है भगत सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या किया गया, ऐसे ही कई सारे इशू निकल कर आए यहाँ पर। अभी कई सारी जब बातें निकल कर आई, खासकर रिकमेंडेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर नॉमिनेट करने की बात की गई 12 जो मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, तो वो मैटर जो यहाँ पर हालांकि आगे चलकर हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये इश्यू यहाँ पर चल रहे हैं कि गवर्नर जो है वो इलेक्टेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराते हैं। सेम फंडा यहाँ पर देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर में, तो यहाँ पर RN रवि जो है उनके द्वारा भी कुछ यहाँ पर ऐसे ही काम किया गया। जब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री ये कोर्स भी लाया गया, यहाँ पर क्या काम था बेसिकली, यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये था कि जो नीट की परीक्षा कराई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कोशिश की जा रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से चलाए। तो गवर्नर साहब के द्वारा यहाँ पर जो है बेसिकली प्रेसिडेंट की एसेंट्स के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया। समझेंगे आखिर कैसे कैसे प्रेसिडेंट को कोई गवर्नर जो है वो बिल भेज सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर नीट के बारे में बात की जा रही है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर स्टेट और जो गवर्नर है उसके बीच में रस्साकसी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो स्टेट की पावर को रोकने की कोशिश की जाती है, फिर बिल को डिले करने की कोशिश की जाती है गवर्नर के द्वारा। तो राइटर ये बोले कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीके से सिस्टम को ढंग से लेकर चलना चाहिए, ये इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ना गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट का ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरी कहानी बता दी आप लोगों की, कहानी क्या चल रही है। अब इस कहानी के पीछे जो किरदार है वो होते हैं यहां पर गवर्नर, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं गवर्नर की रोल के बारे में। एक सेकेंड, यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहां पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोगों की पड़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे पार्ट, जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है।
अगर बात करें ये यहां पर बेसिकली जो अब तक जेएनके हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया जेएनके जो है वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको आप लोग एलजी बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर एलजी वो आप लोग जरूर बताना। ओके आगे चलते हैं, यहां पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहां पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कि जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहां पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहां पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहां पर ये बातें देखने को मिलेगी। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहां पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉई नहीं है, कि आप लोग यहां पर चाहो तो यहां पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है तो उसके उसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहां पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर के, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर गवर्नर के लिए भी यहां पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोग कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह है जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपोर्टेंट है यहां पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहां पर अपॉइंटमेंट कहते हैं, यहां पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहां पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहां पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहां पर, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहां पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए, कि एक तो वो आउटसाइडर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहां पर रिक्वायर करना है यहां पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट ना करें, इस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की, क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहां पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहां पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी कहते समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहां पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहां पर इनको यहां पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, यानी कि प्रेजिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहां पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेजिडेंट के नाम पर, लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहां पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस में, या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहां से पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको असेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिए, ठीक है। दूसरा उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के रख ले। तीसरा उसको रिटर्न कर दे यहां पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी उसको, फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया
तो यहां पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहां पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा, अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल न हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में न हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहां पर और लगता है कि यहां पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहां पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है, तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहां पर हो चुका है, थोड़ा सा जाकर पॉलिटिक्स आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पर चलते हैं, पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये बात की जा रही है ऑस्कर के बारे में। जय भीम मूवी अगर टाइम मिले तो जरूर देखेगा, सोसाइटी को समझने की बेसिकली आप लोगों को एक परख होगी कि कैसे जो पावर का मिसयूज किया जाता है, ठीक है। ऑस्कर के लिए भेजा गया था, बेसिकली हर देश से यहाँ पर ऑस्कर के द्वारा मूवी मंगाई जाती है, मतलब एक कमेटी के द्वारा मूवी मंगाई जाती है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग कंट्री जो अपनी मूवीज भेजती है। 54 टाइम हम लोगों ने यहाँ पर मूवीज भेजी हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पर। यहाँ पर हमारे देश से अगर बात करें तो जो मदर इंडिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है, इसी के साथ में सलाम बॉम्बे आप लोगों को देखने को मिली, और यहाँ पर जो कि आप लोगों ने देखा लगान मूवी, ये हमारे देश से यहाँ पर गई, तो 74th जो अकेडमी अवार्ड के लिए यहाँ पर गई थी। तो बेस्ट जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो फिल्म फीचर फिल्म होती है, तो ईच कंट्री को इन्वाइट किया जाता है कि वो अपने अपने देश की अच्छी फिल्म भेजे, तो यहाँ पर हमारी कंट्री से फिल्म भेजी जाती है, फिर भी उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन कौन सी मूवी अच्छी है। तो हमारी कंट्री से यहाँ पर जय भीम भी भेजी गई, बस इसको अभी लेकिन यहाँ पर चुना नहीं गया, ठीक है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में आई है। पर ये मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, कल को चलकर पावर में आप लोग जाते हैं तो पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये बताया गया, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए किस मुद्दे के ऊपर है यहाँ पर, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये अभी बताया गया मैंने कि कश्मीर बंगाल वाला ये न्यूज एनालिसिस मैंने कवर कर ही लिया। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर किसके बारे में, हिजाब के बारे में। तो जो हिजाब है कि सर पर जो स्कार्फ पहना जाता है बेसिकली यहाँ पर, ये इसको लेकर काफी बड़ा इशू क्रिएट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर बातें पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी काफी अर्ली है इसके ऊपर हम लोग इंटरवीन करें, अलग अलग राज्य के अंदर हाईकोर्ट है उस पर यहाँ पर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर सुनने की भी बात की जा रही है हाईकोर्ट के अंदर में, अभी यहाँ पर जो केस पहुंच रहा है कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर में 14 February को यहाँ पर ये केस सुना जाएगा। याद रखिएगा मैंने अभी बोला आप लोगों से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 25 जो है यहाँ पर वो अधिकार देता है यहाँ पर चीजों को एंजॉय करने का, पर लेकिन उसमें भी कई सारे डिफरेंस देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो सारा आर्टिकल मैंने देखना आप लोगों ने, मैंने अभी 2 दिन पहले सिंगल वीडियो अलग से अपलोड कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर अलग से टॉपिक कई बार आते रहेंगे, तो बार बार उसको बेसिकली 10-15 मिनट बेकार करने का कोई मतलब नहीं है। जिस किसी को भी कंफ्यूजन है वो हिजाब वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लेना, टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक पोस्ट कर रखा है कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मलाला के द्वारा कमेंट किया गया था, तो उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने अलग से कर दिया था आप लोग डिस्कस, ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो देख लेना उसको, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बताया दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लेकर चलना चाह रहा है, इसलिए COVID-19 के चलते सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी रेट को चेंज नहीं किया गया, तो पूरा आर्टिकल मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी आप लोगों से। अभी यहाँ पर कई सारे देश से अगर लोग हमारे देश में आएंगे तो उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा, ये बातें बोली गई, चलिए अच्छी बात है, चीजों को नॉर्मल तरीके से लेकर चला जाएगा। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर चाइना में आप लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा बोला गया कि ध्यान से रखना चाइना में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, क्यों, क्योंकि चाइना कई सारे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आज के में लगा रहा है, तो पता चला आप लोग की पढ़ाई जो है वो बीच में रुक गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई व्हीकल काफी इंपॉर्टेंट है, सोचो अगर आप लोग बाहर जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आप लोग को अपनी गाड़ी को यूज करना पड़ता है, पर लेकिन अगर आप लोग घर पर ही सामान आ जाए तो कैसा रहेगा, और वो घर पर सामान लाने वाला भी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करे तो पोल्यूशन की कहानी खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल में इसी की तरफ को बात की जा रही है कि जो भी यहां पर सामान लाने ले जाने का काम करने वाली जो कंपनी है उनको ई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस देने की बात की जा रही है, बैटरी से चलने वाले व्हीकल के ऊपर, ठीक है, तो ये बात है। पर लेकिन हर टाइम ये भी अच्छी नहीं रहती, क्यों, क्योंकि आप लोगों को देखने को पता चला वो बिजली जो है वो कोयले से बनाई जा रही है, तो कहां का वो क्लियर रह गया, तो इसलिए यहां पर वो बातें हैं। तो चलिए वो तो एक अलग टॉपिक हो जाता है पूरा, पर फिलहाल ये एक पॉजिटिव स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। और लालू जी के बारे में आप लोगों को बताई दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा ये बातें बोली गई है। हमारे देश में 648 पुलिस स्टेशन ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है, मतलब आप लोग कल को अगर दिक्कत हो गई आप लोग फोन कर रहे हो तो आप लोग कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर कई सारे देखने को मिले, यहाँ पर लगभग 79 के करीब स्टेशन विदाउट टेलीफोन कनेक्शन, समझ रहे हैं आप लोग क्या बुरी कंडीशन है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कई सारे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन में देखने को मिल जाएंगे लगभग 141,
आसाम के अंदर भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी वन ऑफ लार्जेस्ट स्टेट है जहां पर कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है मतलब टेलीफोन के, जिसकी वजह से इश्यू देखने को मिल रहा है। तो कल को चलकर अगर कोई किसी को दिक्कत होगी तो कहां जाए, तो ये एक काफी बड़ा मुद्दा आ जाता है। वैसे तो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, स्मार्ट चीजों के बारे में, पर कहां स्मार्टनेस वो यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ADR यहां पर बोलते हैं इसको, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो वो बोल रहा है कि 60% कैंडिडेट गोवा के अंदर जो है वो करोड़पति है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यहां पर है कि आज के डेट में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता है, अमीरों की जिंदगी ज्यादा यहां पर इंपैक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इलेक्शन में जब भी बात आते हैं तो ये देखते हैं कौन यहां पर एक तरीके से साहूकार इंसान है, कौन यहां पर ऐसा इंसान है जो काफी फेमस है और उसको इलेक्शन में उतारा जाता है। अब वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो वो नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है कि हाँ इसके पास में पैसा होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी की वजह से हमारी कंट्री में रिजल्ट निकल कर नहीं आते, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आती जाती रहती है, पर लेकिन दुनिया ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि ये हमारा ही कंडीशन है कि हम लोग चीजों को ऐसे देखते हैं। 17.78 जो है लैक जो एकड़ लैंड डिफेंस जो लैंड सर्वे के बारे में बात की, तो काफी इंपोर्टेंट है यहां पर हमारी कंट्री में डायरेक्टर जनरल जो डिफेंस स्टेट है उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि इसका रिव्यू किया गया ड्रोन की हेल्प से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की हेल्प से, और पता लग पाएगा कहां पर कितनी जमीन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारी जमीन जो है उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर ये मुद्दा जो है वो आगे उठाया गया, जो कि एक पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं। रसिया जो है उसने लॉन्च कर दिया बेलारूस के लिए मिलिट्री ड्रिल, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर यूक्रेन के मुद्दों को लेकर कई सारे इशू चल रहे हैं और ये टॉपिक भी मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से कोई एडिटोरियल आएगा तो अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि एक ऐसा इशू है जो रेगुलर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस मुद्दे के बारे में आप लोग थोड़ा सा रख सकते हैं ध्यान, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, बेसिकली बातें जो है माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से कोई आएगा तो फिर से बातें कर लेंगे, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है आरबीआई के बारे में, स्टेटस को बना के रखा मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक आर्टिकल है, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता है अभी 30% उसके ऊपर क्या लगाया गया, टैक्स लगाया गया हमारे देश में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गई। वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग काउंट कर सकते हैं, तो 30% रिजर्वेशन एड कर देगा यहां पर। इसी के चलते यहां पर टैक्स डिडक्शन जो है पेमेंट पर बोला गया यहां पर, वो ये 1% अबोदा एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो लगा दिया। वर्चुअल करेंसी को यहां पर बेसिकली फाइनेंशियल बिल में डिफाइन किया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट, और सेक्शन एक ऐड किया गया याद रखिएगा अभी यहां पर, जिसको 47A बोला गया, जिसके चलते अभी प्रेजेंट बजट में यहां पर इसके बारे में बात की गई, इससे पहले नहीं पता था। तो अभी यहां पर ये कि टैक्स लगाया जा रहा है तो हम लोग वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब तक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी हमारे देश में बोला गया, हमारी खुद की वर्चुअल करेंसी आएगी 2023 तक, तो ये भी बातें बोली गई है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें ये आप लोगों के सामने सुडोकू हो गया जिसको आप लोग देख सकते हैं। आज जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक आर्टिकल आया था। ठीक है, वो आर्टिकल से रिलेटेड मैं आप लोगों से जो बातें हैं वो संडे में डिस्कस करूंगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से बात की थी किसके बारे में, आप लोगों से बेसिकली बात की थी फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो फ्यूजन और फ्यूजन उसके बारे में डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा संडे में, क्योंकि आज टाइम कम है और टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा करेंगे उनको हमें संडे में कवर कर लिया करूंगा। ठीक है, तो उसको देख लिया करेंगे, टेंशन मत लेना, कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोगों को छूटेगा नहीं, इसलिए अच्छे से एंजॉय करते रहिए। यहां पर खुशी के द्वारा और भगत सिंह के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन से हैं तो सारे बता रखे हैं यहां पर, मैंने आप लोगों से सारे पूछे थे। ठीक है, तो डिटेल में बता रखे हैं, बाकी ये भी सारे बता दिए कहां कहां पर कोयला वगैरह यूज किया था। ठीक है, इसी के साथ में फ्लाई एस में क्या क्या कंपोजिशन होता है तो ये मैंने डिस्कस किया था, नोड स्ट्रीम हो गया, और ये सारी चीजें डिटेल में आंसर देंगे, काफी प्यारे आंसर लिखे गए। ठीक है, तो अच्छे से समझ सकते हैं, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे यहाँ पर, बेसिकली आर्टिकल के बारे में यहाँ पर गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो आज भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, देखें यहाँ पर वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, तो आर्टिकल 25 है। ठीक है, ये हो गया, डिटेल में टॉपिक कवर किया था, तो याद रखना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये मैंने बात की थी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो समझ सकते हैं सबसे बेकार होता है पेट, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है बिटुमिनस और फिर होता है एंथ्रेसाइट, तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर फ्लाई एश के बारे में, आप लोगों से बात की थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्या क्या कंपोजिशन उसके अंदर होती है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। और कोयले की वजह से यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कल को क्वेश्चन बन जाता है तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसी के चलते यहाँ पर यहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।